और फुल पावर रेडी हो चुके हैं। लाउड ईयर गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। होप करता हूँ सब ठीक होंगे, फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तो पड़ी है धुंध और ये देखिए आप, धूप भी दिख रही है कि निकल रही है हल्के हल्के स्वर में। जय शंकर। तो आप चेक कीजिए, आज धूप भी नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ये महीने हिमाचल में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दियों के रहते हैं। अरे ये देखिए, डस्टबिन से कचरा निकाल कर फेंक दिया गया है, पता नहीं किसने करा। सो इस कचरे को भी अब सही जगह डिकम्पोज करना पड़ेगा या आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी गंदगी अच्छी नहीं लगती है। देखिए बढ़िया साफ हिमाचल की साफ वादियों में ऐसी गंदगी ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। सो इसकी सफाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर बात करते हैं इसकी सफाई। अभी चलते हैं बढ़िया में घर की ओर। और अभी सुबह के मात्र 10 ही बजे हैं, परंतु आप चेक कर सकते हैं अभी धूप नहीं आई है ज़रा भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि किस हद की ठंड होगी इस टाइम। गांव की शांति कीजिए आप एक बार चेक। अब पक्षी चहचहा रहे हैं और बढ़िया में हम चले हैं वॉक करते हुए, मतलब आनंद आता है, इतनी फ्रेश एयर होती है गांव में। आप चेक कर सकते हैं दूर दूर तक अभी यहां पे ट्रैफिक का नाम निशान नहीं होता गांव में। सो गांव में सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि फ्रेश एयर, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा गुड होता है यहां पे। बढ़िया में सेक लेते हैं बाघ। सर्दियों में आग का अपना ही अलग आनंद है। इसकी भी ग्रोथ सही चल रही है, वाज है हमें दो दो धाम में। सो बढ़िया में आपको ले चलेंगे अपने साथ बढ़िया में। और ये देखिए साइड केसर भी निकल चुका है, इस साइड गोभी, ये देखिए साइड मिर्थ्या, इस साइड लहसुन, इस साइड मूली। और चेक कीजिए पूरी हमारी फील्ड फिर से कंटिन्यू। अगर आग के पास बैठ जाएं तो मन ही नहीं करता कि दूर जाएं आग से। धीमी धूप लग गई आने। अब हम चले हैं अपने सफर की ओर और आपको भी ले चलते हैं साथ, परंतु जैकेट डाल लेते हैं क्योंकि बहुत ठंड दिखे, तो डालते हैं जैकेट। बढ़िया जैकेट डाल ली है। अब हम पूर्णतः तैयार हैं फुल पावर के सौर। जैसे अभी हम निकले और आप चेक कर सकते हैं, देखिए धूप भी लग गई आने बढ़िया में। लगता है दिन में अब तापमान सही रहेगा, नहीं तो ठंड के मारे तो हालत खराब हो जाएगी। तो अब करते हैं सफर का प्रारंभ। बढ़िया में कर दिया गाड़ी स्टार्ट, सफर का प्रारंभ हो चुका है। जय शंकर। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे बुआ जी के घर में, क्योंकि एक्चुअली बुआ जी के जो दोते होते हैं, अर्थात बुआ जी हमारे नानी जी बने हैं, तो उस उपलक्ष्य में वहाँ पे धाम का आयोजन हो रहा है। सो वहाँ पे हम सर्वप्रथम चलेंगे और बढ़िया में आपको ले चले हैं अपने साथ। तो अभी हम यहाँ पे घुमारवीं मार्केट रुके हैं कुछ देर, ताकि जैसे रिश्तेदार में जाते हैं तो कुछ उन्हें देना पड़ता है, जैसे मिठाई वगैरह। सो मम्मी जी गए हैं मिठाई लाने और हम बढ़िया में यहाँ पे बैठे हैं गाड़ी में, कर रहे हैं वेट मम्मी के आने का, उसके बाद चलेंगे अपने सफर की ओर। गुड मॉर्निंग घुमामी, हैशटैग घुमामी मार्केट। नमस्ते बोजी। हाँ जी बोजी। हेलो। धाम की प्रिपरेशन चली है, यहाँ से चलते हैं खटकी ओर। तो यहाँ पे मम्मी जी और बुआ जी की वार्तालाप होगी और हम यहाँ पे होंगे बोर, तो तब तक आपको ले चलते हैं बढ़िया में खड्ड की ओर। बहुत ही शानदार खड्ड है यहाँ पे। एक्चुअली हमारी घर की साइड खड्डे हैं नहीं, सो यहाँ पे साथ ही जमीन में खड्ड है। सो बढ़िया में चलते हैं साथ और आपको ले चलते हैं अपने साथ। खड्ड तो बह रही है, परंतु सवाल से बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में सवाल यहाँ पर पड़ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम बचपन में आते थे, तो एक बार हम जैसे खड्ड में पड़े थे तो हमारे शूज़ वगैरह भी गिल्ले हो चुके थे। सो बहुत मज़ा आता है जैसे पानी को देखते हैं, तो आनंद आता है, मन करता है कि छलांग लगा दें, परंतु आज हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे बढ़िया में। आज हम इसके दृश्य का लुत्फ उठाएंगे। देखिए आप इतना ठंडा दृश्य, और चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे पक्षी चले हुए हैं और पानी की निर्मम धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर। सो करते हैं चेक, यहाँ पे सुनिए पानी की धारा। स
सो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि हम पानी से भीगें, सो बढ़िया में यहीं से करते हैं वापसी। और मतलब इससे आगे जाएं तो पांव धंस सकते हैं हमारे पानी में, सो बढ़िया में यहाँ से करते हैं वापसी। थोड़ी देर गपशप बुआ जी के साथ भी लगा लेते हैं और धाम की प्रिपरेशन चली है उसको भी देख लेते हैं। जब तक यहाँ पे धाम बन रही है तब तक हम चल पड़ते हैं ननिहाल की ओर। ननिहाल में अपने नाना जी नानी जी से मिलाते हैं, काफी समय के बाद हम मिलेंगे नाना नानी जी से। वर्क इन प्रोग्रेस। तो फाइनली हमने गाड़ी कर दिया नीचे पार्क और अब चले हैं बढ़िया में ननिहाल की ओर, अपने नाना नानी जी से मिल लेते हैं और उसके पश्चात चलते हैं धाम की ओर। और आपको भी ले चलते हैं धाम की ओर और फिर शाम को हमें है गांव में धाम, वहां भी ले चलेंगे आपको। तो काफी देर नानी अम्मा जी से वार्तालाप हुई, काफी ज्यादा खुशी हुई। अब चलते हैं बढ़िया में धाम की ओर। फाइनली एट होम। अब करते हैं जल्दी जल्दी चेंज, मैं सोच रहा हूँ बिना चेंज करे ही चले जाते हैं हम गाँव में धाम की ओर, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और अब मतलब समाप्ति ही होती है इसमें धाम। सो बढ़िया में चल पड़ते हैं और आपको भी ले चलते हैं साथ जल्दी जल्दी बिना चेंज। पहले घड़े से पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है बेहद अधिक। चलो चले गाँव की ओर। चांद चांद छुपा बादल में, बैठते हैं पंगत में। तो अब चल पड़े हम घर की ओर कच्चे रास्तों से होके। तो फाइनली अब धाम में खा के बढ़िया में घर पहुंच चुके हैं और इस टाइम थकान से हालत पूरी तरह से खस्त हो चुकी है। सो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आए तो कृपया लाइक कमेंट शेयर जरा दबा के करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।